हेलो फ्रेंड्स, प्रिया किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ब्रेड की एक और अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, ब्रेड पिनव्हील समोसा। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें ताजी ब्रेड चाहिए, टमाटो केचप, हरी चटनी, और ये मैंने दो आलू को फ्राई करके इसकी स्टफिंग बना ली है। आइए अब हम बनाते हैं। ये देखिए, हमने ब्रेड ली है। ब्रेड ताजी होनी चाहिए और इसके एजेस चक्कू से निकाल देंगे। इसको इस तरह से बेल के लंबा कर लेंगे। आप चाहे ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, जो चाहे वो ले सकते हैं। इसको रख देंगे। अब इसी तरह से हम अपनी सारी ब्रेड बेलकर तैयार कर लेते हैं। देखिए, हमने ब्रेड बेल ली। अब इसमें हम ऐसे हरी चटनी लगाएंगे। पूरे में अच्छे से चटनी लगा देंगे। अब इसके ऊपर हम अपनी दूसरी स्लाइस रखेंगे। इसके ऊपर जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई है उसको पतला पतला फैला देंगे। इसे बिल्कुल पतला सा फैलाएंगे जिससे कि हमें रोल बनाने में परेशानी ना हो। अब इसके ऊपर हम फिर से एक ब्रेड लगाएंगे और इसके ऊपर हम टोमेटो केचप लगा देंगे। आप चाहें तो पिज्ज़ा सॉस लगा सकते हैं या इमली की मीठी चटनी लगा सकते हैं। इसको अच्छे से पूरा कवर कर देंगे। अब इस तरह से हम एक फॉइल पेपर लेंगे, इसको नीचे रखेंगे। इसके ऊपर हम अपनी ये ब्रेड स्लाइस रखेंगे और इसको ऐसे मोड़ देंगे। मोड़ के इसको हम उसी तरह से कवर करके इसको बंद कर देंगे। इसी तरह से हम अपने सारे रोल बना लेंगे। देखिए, हमने रोल बनाकर रख लिए। अब हम इनको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये देखिए, हमारे रोल्स बनकर तैयार है। अब इनको हम निकाल लेते हैं। अब इनको इस तरह से कट कर देंगे। ये देखिए, हमारे रोल्स कट गए। अब हम एक बेकिंग ट्रे में इस तरह से ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगा के इनको बेक होने के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड में 10 मिनट के लिए रख देंगे। इसको इस तरह से रख देंगे। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा, आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं। अब इसको हम 10 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख देते हैं। ये देखिए, हमारा पिनव्हील समोसा बनकर तैयार है। अगर आप चाहें तो इसे घी लगाकर पैन में भी सेक सकते हैं। जैसे मैंने इसे बेक किया है, इसी तरह से आप इसे पैन में भी सेक सकते हैं घी लगा करके। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।